बैठक का मुख्य उद्देश्य जिस प्रकार से अभी 15, 16 और 17 जून को शिमला में हमारी विभिन्न बैठकें हुई, जिसमें कि हमारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे मंत्रीगण, सांसद, विधायकगण, 2017 के सभी प्रत्याशी, मोर्चों के अध्यक्ष, प्रकोष्ठों के संयोजक और इसके अलावा शिमला के कॉरपोरेशन के हमारे जीते हारे सभी काउंसलर्स इन बैठकों में मौजूद रहे, जिसमें कि हमने सेवा ही संगठन अभियान 2 उसकी विस्तृत रूप से चर्चा की। साथ ही साथ आगामी कोविड को लेकर भी किस प्रकार से हमको आगे बढ़ना है, उस दृष्टि से सरकार और संगठन किस प्रकार से काम करेगा, उसके ऊपर विभिन्न लोगों ने, हमारे विशिष्ट नेतृत्व ने विचार विमर्श किया। इसके साथ साथ आगामी जो चुनौतियां हैं और 2022 का जो लक्ष्य है उसको लेकर किस प्रकार से पार्टी के कार्यक्रम आगे बढ़ेंगे, हमारे पार्टी के लोगों के प्रवास, मोर्चों प्रकोष्ठ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका प्रवास, मंत्रीगणों के प्रवास और इसके अलावा बहुत सारे अन्य विषयों के ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा हुई, ताकि हम जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसमें हम कामयाब हो सकें। और इन 2 दिनों में भी उन्हीं विषयों के ऊपर विस्तार से चर्चा हो, जिसमें कि हमारा वरिष्ठ नेतृत्व हमारा मार्गदर्शन करे और प्रदेश का जो हमारा नेतृत्व है वो सभी अपने सुझाव दें कि किस प्रकार से हमारी सरकार और हमारा संगठन आने वाले समय में बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़े और आगामी जो समय हमारे पास बचा है उसमें किस प्रकार से विभिन्न कार्यक्रम, पार्टी के कार्यक्रम, सरकार के कार्यक्रम, उनको लेकर एक विस्तृत चर्चा हो, उसके बाद एक रोड मैप बने, ताकि हम आने वाले चाहे उपचुनाव की बात करें या 2022 का जो हम टारगेट लेकर चल रहे हैं उसको हम अचीव कर सकें।